तो यहां पर आपको कुछ नोट बताए गए हैं, जैसे यू कैन सेव द पिक्चर विद ए डिफरेंट फाइल नेम बिफोर द इरेजिंग इट, मतलब उसको इरेज करने से पहले अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। अगर आप मान लो कि आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक काइट की इमेज बनाई, इमेज बनाने के बाद अगर मैंने उसको इरेज नहीं किया होता, मैंने उसको सेव कर दिया होता, तो ये जो मैंने फोटो बनाई है, यानी ये जो मैंने जो भी बनाया है, ये मेरा सेव हो जाता। तो इसके बाद अगर मैंने इसको मिटा भी दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले ही इसको सेव कर लिया। ठीक है? यस मैम। ओके, तो एक तो ये बता रखा है इरेज से पहले आप सेव कर सकते हो, नाम देख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि माय फर्स्ट ड्राइंग काइट, या काइट कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो क्या बता रखा है, रिमेम्बर यानी याद रखने के लिए। सो व्हेन यू यूज द टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट को यूज करते हो, टेक्स्ट टूल को यूज करते हो, तो ए न्यू टेक्स्ट टैब अपीयर यानी तुम्हें दिखने लग जाता है ऑन द रिबोन, रिबोन के ऊपर दिखने लग जाता है, ऐसे आ जाता है, दिखाई दे रहा है आपको ये? यस मैम। हाँ, ये टेक्स्ट के ऊपर जब हम टेक्स्ट सेक्शन को ऑन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है। तो यू कैन चेंज द स्टाइल, आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे एक लिख रहा है ऐसे, एक लिख रहा है ऐसे ए, दूसरा लिख रहा है ऐसे, तीसरा लिख रहा है ऐसे, फिर कोई लिख रहा है ऐसे, फिर कोई लिख रहा है सिर्फ ऐसे। तो आप अपने हिसाब से साइज, फॉन्ट, ये सब चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो ऑफ द टेक्सिंग यूजिंग द ऑप्शन। तो मैं आपको ये ना दिखाती हूँ कहाँ पे होता है, क्योंकि ये देखना जरूरी है। तो अब मैं सबसे पहले पेंसिल सेक्शन को ऑफ करूंगी, एंड देन अगर मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा, अच्छा ये मेरा विंडो 10 है, इसमें विंडो 7 का नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही कहीं है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है? ओके मैम। तो ये हो गया। उसके बाद टेक्स्ट यूजिंग द ऑप्शन अंडर दिस टैब, तो आप इस टैब के अंदर आप डिफरेंट साइज के कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट कर सकते हो। ठीक है? अब ये नीचे आपको बता रखा है ब्रश टूल। अब जैसा कि मैंने ब्रश पे, यहाँ जो ब्रश बना हुआ है, जब मैंने इस ब्रश पे क्लिक किया था तो आपने देखा था ना, ब्रश बहुत सारे टाइप के ब्रश ओपन हो गए थे। यस मैम। तो पेंट हैज ए लॉट ऑफ एक्साइटिंग ब्रश, बहुत सारे ब्रश है इसमें टू यूज यूज करने के लिए, एंड ब्रश टूल्स इज सिमिलर टू टू यूज टूल, मतलब उसको यूज करने के लिए है, एंड यू कैन यूज द ब्रश, तुम ब्रश यूज कर सकते हो टूल टू ड्रॉ लाइन्स, लाइन ड्रॉ करने के लिए, दैट आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है, अलग है इन मतलब ये जो आपको इसमें दिए गए हैं 9 ब्रश, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है। सो यू कैन चॉइस ब्रश, आप कोई भी ब्रश को चूज कर सकते हो, ऑफ डिफरेंट मतलब डिफरेंट टेक्स्ट उससे लिख सकते हो फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग टू ड्रॉ। ठीक है? फ्री फॉर्म, मतलब ये फ्री में है, इससे आप कर सकते हो, लाइन बना सकते हो, डिफरेंट कुछ भी लिख सकते हो, डिफरेंट इफेक्ट्स। सो लुक एट दिस डिफरेंट ब्रश स्टाइल, तो इन ब्रश स्टाइल को हमें देखने के लिए, और इसमें ना हमें नाम भी दे रखा है, जैसे ये सिर्फ ब्रश है, जैसे कि ब्रश से आप ऐसे ऐसे करो, जो ब्रश से नॉर्मली हम करते। फिर ये हमारा दूसरा बता रखा है, कैलीग्राफिक ब्रश 1, कैलीग्राफिक ब्रश 2, फिर एयर डस्ट, फिर ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल कलर आपने नाम तो सुना ही होगा। नो मैम। ऑयल पेस्टल कलर होते हैं, तो ऑयल पेस्टल मतलब ब्रश भी होते हैं। फिर ऐसे ही मार है, नेचुरल पेंसिल है, और क्या है लिखा है, वाटर ब्रश इसमें। तो चलो अब हम सारे ब्रशों से ए बी सी डी आई तक लिखते हैं जितने भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कट करती हूँ। ओके, कट हो गया। तो हम चलेंगे अपने ब्रश वाले सेक्शन में और हम ब्रश को ऑन करेंगे। पहले मैंने पहला लिया है जिसका नाम सिर्फ ब्रश है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए, और अब मैं दूसरा ब्रश चॉइस करूंगी,
तो ये ब्रश दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा तीसरा ही है अभी, ये हमारा फोर्थ है जिसमें से हम लिखेंगे डी। ये ब्रश मतलब वो वाला है, दूसरा ब्रश है जो स्प्रे वाले होते हैं ना, देखो इसमें स्प्रे वाला वो बना भी है, ठीक है? यस मैम। ई ये एफ है, ये जी है, ये है मार्कर, पक्का मार्कर है जी, ये एच है, ये है हमारा नेचुरल पेंसिल, ये हमारा लास्ट वाले में मैं ब्लैक कलर करती हूँ, ये हमारा आई है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है मेरी हैंडराइटिंग में, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें कुछ इस प्रकार के नाइन ब्रश हैं, ठीक है? यस मैम। क्लियर? यस मैम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने ब्रश हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 9। ओके मैम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं। तो ये था हमारा कुछ ब्रश का, अब हमारा नीचे आ गया यूज टू द ब्रश टूल फॉलो द स्टेप्स। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप यूज करके सारे ब्रश को यूज करना सीख सकते हैं। स्टेप वन है क्लिक ऑन द ब्रश टूल, पहले हमें ब्रश टूल पे क्लिक करना है, देन सिलेक्ट द ब्रश स्टाइल, फिर उसके बाद आप कोई भी ब्रश स्टाइल को क्लिक कर सकते हो, यानी चूज कर सकती हो। और थर्ड है हमारा क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन फिर आप कर सकती हो। फोर्थ है आपका कि सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस, फिर आप कोई भी कलर अपने पसंद से चॉइस कर सकती हो। और फिफ्थ वही है, हमें ड्राइंग करना है कहीं भी, ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू फिल द कलर, ठीक है? यस मैम। तो एक बार मैं आपको कुछ दिखाती हूँ करके। ओके, तो सबसे पहले हम मैं एक एक बार डिफरेंट टाइप के ब्रश से करती हूँ और डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। आप इससे क्या कर सकती हो, आप इससे कर्सिव राइटिंग लिख सकती हो। कर्सिव राइटिंग यानी जो आप ऐसे नॉर्मली नहीं लिख सकती हो अपनी बुक पे, वो आप यहाँ पर लिख के उसकी प्रैक्टिस कर सकती हो। यहाँ पर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा बना सकती हो। स्प्रे वाला है तो स्प्रे में कुछ नहीं है, ये स्प्रे करना वाला है, तो इससे आप कुछ ऑरेंज बनाकर उसमें आप ड्रॉइंग कर सकती हो, क्योंकि ऑरेंज तो कहीं ना कहीं ऐसी ही इसी कलर में होते हैं। फिर हाइलाइटर है, कोई भी हाईलाइट, कोई भी चीजों को हाईलाइट करने के लिए, तो ऐसे इनके यूजेस हैं, ठीक है? यस मैम। गुड। ओके, तो एक तो हमारा ब्रश वाला हो गया।